बस वहाँ चलते हैं, अपनी बाइक उठाते हैं। यहाँ कैब महंगी बहुत है, मैं ये जरूर बोलूंगा। ये हमको जगह मिल गई थी भाई साहब, R1 R1M, वो हमारी जो बाइक्स हैं, या फ्रॉम थाईलैंड, दोनों हिमालयन चलाते हैं इंडिया में, और भाई साहब यहाँ आके ये बाइक्स चलाने वाले। एग्जॉस्ट तो देखो भाई, ओहो क्रेजी, ये किधर आ गए हैं भाई साहब। सिस्टम कल जो हमारी राइड है लंबी होने वाली है इस बाइक को। So good morning, namaste, sat sri akal, welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. भाई जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा, how to rent a bike in Thailand and a big bike, mind you, क्योंकि हम लोग भी ये पहली बार ही करने जा रहे हैं। मेरे पास इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है, मैं इंडिया से बनवा के लाया था वो सारी चीजें। अभी जैसा होगा वैसा आपको दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ से जो है बाइक रेंटल अराउंड 3 किलोमीटर है। हमने कैब किए, हेलमेट्स हमने साथ ले ही लिए दोनों ने, बस वहाँ चलते हैं, अपनी बाइक उठाते हैं, थोड़ा पार्किंग जो भी सिस्टम होगा वो सब आपको बताया जाएगा। चलते हैं नीचे कैब में बैठकर फट से निकलते, क्विक व्लॉग होगा बहुत, क्योंकि फिर वो बाइक लेके अपने को एक्सप्लोर करने भी निकलना है। तो चलते और आज का व्लॉग शुरू करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, चालू करते हैं। भाई कैब में बैठ चुके हैं फाइनली, जैसे कि मैंने बोला 3 किलोमीटर अराउंड है और बहुत ज्यादा कड़ाके की धूप है। भाई साहब देख लो आप धूप का हालत, तो अभी सुबह बारिश हो रही थी और अभी धूप हो गई है, तो हमने सोचा कि 3 किलोमीटर चलने से अच्छा भाई कैब वैब ले लेते हैं। यहाँ कैब महंगी बहुत है, मैं ये जरूर बोलूंगा। तो बहुत लोगों ने सजेस्ट किया था कि भाई बोल्ट और ग्रैब में से कुछ यूज करना, ग्रैब तो भैया अंधा महंगा है, तो हमने बोल्ट की। ये हमको अराउंड 150 से 200 वाट में वहाँ पहुंचा देगी 3 किलोमीटर, विच इज अराउंड 450 से 500 के बीच महंगा है एनीवेज, बट स्ट्रीट्स यहाँ की खूबसूरत है बेसिकली। ये लेह लद्दाख जैसा थोड़ा फील दे रहा है, चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो भाई लोग फाइनली जो है जैसे कि मैंने बोला तायान बिग बाइक बोल के है फुकेट में, और आ गए। ये आप उनका बोर्ड देख सकते हो, ये मैंने एक्चुअली किसी के जान पहचान भी बोल सकते हो और थोड़ा बहुत रिसर्च से भी बोल सकते हो। ये हमको जगह मिल गई थी, हमने हमारी जो ब्यूटीज है वो फाइनल कर दी। इतनी सारी बिग बाइक्स है इनके पास बेसिकली, ये आप देख सकते हो ये सारी चीजें। भाई साहब R1 R1M, ये थोड़ा आउट ऑफ बजट जा रहा था भाई, 4-5 हजार बोल रहा था भाट एक दिन का, तो डज नॉट मेक सेंस, हमको 2 दिन के लिए चाहिए बाइक। तो हमारी जो बाइक्स है वो है भाई, एक तो ZX10R, ये है भाई यामाहा की ट्रेसर GT टूरर है, जो कि रजत भाई चलाने वाले टूरर को, और अपन स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो भाई स्पोर्ट्स बाइक अपन चलाने वाले, ये है सीन। अब हम ये दोनों बाइक्स का हमको पड़ा है 8,000 baht 2 दिन का, विच मीन्स एक दिन का 2,000 baht है भाई, तो वो कोई दिक्कत वाला सीन ही नहीं है। बस मतलब इतना आसान है रेंट करना। अब जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उन्होंने हम दोनों में से एक का पासपोर्ट रख लिया कि एज अ गारंटी कि भाई तुम आओगे वापस बाइक देने, या ये मर गए मैं मर गए कुछ भी मिस है हो गया, तो एक का गारंटी तो है बेसिकली कि भाई एक का पासपोर्ट है, ये सिस्टम है। तो भाई ये अपना सारी डिटेल्स ले लिए, मेरा पासपोर्ट मैंने रखवाया इधर हम दोनों में से, तो मेरे पासपोर्ट को हम लोग जो है पूरा ये सब इन्फॉर्मेशन इनको देनी पड़ती है। माय नेम इज अरिनंद, भाई ये है ओनर इधर के, यही रेंट करते हैं बाइक थाईलैंड, या फ्रॉम थाईलैंड, तो यही है भाई, बस थोड़ा सा स्वीटली बात करो तो भाई चल जाते हैं लोग। बस बार्गेन जरूर करना, भर भर के करना, और ऐसी छोटी मोटी जो चीजें लूज होती है बाइक में पहले ही देखना, थिंग्स टू कीप इन माइंड। आप अपना पासपोर्ट दे रहे हो, पासपोर्ट का फोटो वोटो ले लेना, हैंड ओवर करते हुए फोटो ले लेना। दूसरा, जो भी बाइक ले रहे हो आप उसका वीडियो बना लेना, जिससे कि आने के बाद आप पे ये लोग ये नहीं बोल सके कि आप ये खराब करके लाए हो, आप ये खराब करके लाए हो, तो ये पूरा डिटेल्ड वीडियो बना लेना। जो भी स्क्रैचेस है पहले इन्फॉर्म वगैरह सब कर देना भाई, ये मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ क्योंकि ये करना जरूरी है। 2 दिन के लिए ये प्यारी न्यारी ZX अपने पास होने वाली, मजा आने वाला भाई। लुक देख लो भाई, रजत भाई की बाइक तो धुल गई थी, मैं सोचा मेरी भी धुला ही लूं कि भाई अपने को जो है सिस्टम हैंग करना है, तो अच्छा एकदम साफ सुथरी बाइक लेके जाएंगे, सही रहेगा। बस धुलती है और फिर जो है निकलते हैं। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो, इनको कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। मैं ज्यादा बड़ा वीडियो इसको खींचना नहीं चाहता हूँ, बट हाँ
हमने फाइनली जो है रेंट कर ली है भाई बाइक फुकेट में। बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि भाई मेरी ड्रीम बाइक्स, मतलब इंडिया में भी नहीं चलाई हम लोगों ने ये बाइक, बहुत बहुत बढ़िया। हम दोनों हिमालयन चलाते इंडिया में और भाई साहब यहाँ आके ये बाइक्स चलाने वाले क्रेजी होने वाला है सिस्टम हैंग। तो गाइस फाइनली जो है ZX10R, हो एग्जॉस्ट तो देखो भाई, ओहो ये रजत भाई की बाइक का एग्जॉस्ट। और अपन अपनी वाली जो है चालू करते हैं, अभी एक बार इसको फट से स्टार्ट करते हैं। ओ भाई मेरे क्रेजी सीन है, अभी ये गर्म होगी तो और मजा आएगा, बट चलते हैं राइड करते हैं फाइनली। तो भाई अपने पास तो मैप नहीं है इधर कुछ लगाने का, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक है, उनके पास जो है तो अपन चलते उनके पीछे ही चलना पड़ेगा। भाई साहब इंडिया में चलाई नहीं, यहाँ आके चला रहे हैं, अलग ही सिस्टम होने वाला है भाई। चलो बट मज़ा आने वाला है। अब जैसे जैसे ये सीरीज शुरू हो रही है वैसे वैसे एक एक करके सरप्राइजेस बाहर आने वाले गाइस। मैंने ऐसे ही हाइप क्रिएट नहीं की थी, बट चलो फाइनली चलते हैं। ओके बाय, चलो ओ भाई गलत सीन है भाई, सिस्टम भाई साहब। ओ भाई आई डोंट नो अंदर एग्जॉस्ट की आवाज आ रही है नहीं आ रही है, बट क्रेजी है जो भी है भाई मेरे साथ। ये किधर आ गए हैं भाई साहब, गलत सिस्टम है बे, पीछे ही कोई तो भी। ये देखो चेक दिस आउट गाइस, अभी फिलहाल तो होटल जा रहे हैं, पहले होटल चलते हैं फिर थोड़ा सा बाइक वाइक देखते हैं फिर डिसाइड करते हैं अच्छे से कहाँ जाना है। ट्रैफिक तो है भाई, ट्रैफिक तो है, और ये मैं बिल्कुल रॉ रखने वाला हूँ भाई, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है इंटरनेशनली सुपर बाइक चलाते हुए, तो मैं इसको बिल्कुल कट करने का नहीं सोच रहा हूँ कि भाई जो है वो है जैसे रखूँगा एकदम। यहाँ से चलाना कुछ डिफिकल्ट तो है नहीं, इंडिया जैसा ही लग रहा है अभी तक तो, बट हाँ तगड़ा है फील जो भी है। बीच है लेफ्ट साइड में, भाई ऐसे पहले गियर पे अगर ये चलती रह गई तो खत्म हो जाएंगे अपन। भाई ये कोई तो स्ट्रीट सा लग रहा है एकदम, पटोंग, अच्छा पटोंग टावर पे आ गया। अच्छा हम लोग गए दूसरी साइड से थे, आ दूसरी साइड से रहे हो, क्या ऐसा कुछ होगा सीन, क्योंकि यहाँ पटोंग बीच ही है ये, तो हमारा होटल भी यही है नजदीक में कहीं। रजत भाई की बाइक भी सही लग रही है वैसे देखा जाए तो, यामाहा की पता नहीं कौन सी है, आवाज तगड़ी है जो भी है, बट सही लग रही है जो भी है, एकदम सही लग रही है भाई। और अपनी वाली को तो कौन ही नहीं जानता भाई, ZX10R। ओहो आ गए भैया होटल, होटल है ये अपना, और अभी लगाते हैं पार्किंग में बाइक्स। चलो तो
तो भाई लोग बस गोप्रो से मैंने देखा फुटेज निकाल के, तगड़ा लगा। थोड़ा सा एंगल ऊपर नीचे हो गया, आई नो पहली बार था, तो अभी एंगल मैं सेट कर लूंगा क्योंकि कल जो हमारी राइड है लंबी होने वाली है इस बाइक पे। देख सकते हो भाई ZX10R, द माइटी ZX10R। तो अब जैसे कि ये रेंट वाला व्लॉग बना रहे हैं अपन, तो रेंट में क्या क्या चीजें उन्होंने आपको मैंने बोल ही दिया, पासपोर्ट रखो और एक एग्रीमेंट दिया, यही है बस। इट्स वेरी इजी, पैसे दो बाइक लो और निकल जाओ। बस उन्होंने इतना ही बोला कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है वो सारी बाइक भाई। इंश्योरेंस ये लोग कुछ प्रोवाइड नहीं करते, हम लोग हमारा पर्सनल ट्रैवल इंश्योरेंस लेके आए हैं, इसीलिए वो सब जो इन्फॉर्मेशन वाला व्लॉग है, मैंने पहला इस सीरीज का पहला व्लॉग ही है वो, तो देखना ना भूलिएगा। आई होप मैंने जो है रेंटल बाइक की सारी जो है डिटेल्स दे दी हो। ये अपनी दूसरी बाइक, हाँ ये भी तगड़ी बाइक है, ये जो है अपनी रजत भाई की बाइक है और वो मेरी 10R है भाई। तो बेसिकली ये सीन है, अब कल आतंक मचने वाला है थाईलैंड के रस्तों पे क्योंकि विक्रांत इज फाइनली हियर। बस ये ब्लॉग के लिए इतना ही, अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। दिस इज विक्रांत सक्सेना साइनिंग ऑफ, बाय बाय, राइड हार्ड, राइड सेफ, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग वेरी सून एंड विद अ लॉट ऑफ बॉम्ब्स ड्रॉपिंग सून। Vamos a bailar.